अनामिकास फूड जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुलकंद की फिरनी। ये बहुत ही स्वादिष्ट और फटाफट बन जाती है। सबसे पहले हम 1/4 कटोरी धुले हुए चावल लेंगे। आप कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने बासमती चावल लिया है। इसे हम 30 मिनट के लिए भिगो लेंगे। ये देखिए हमारे चावल भीग चुके हैं। अब इन चावल का हम लोग पानी निकाल देंगे और इन भीगे हुए चावल को मिक्सर के बर्तन में ले लेंगे। इन चावल को हम पीसने के लिए थोड़ा सा दूध डालेंगे, 2 से 3 चम्मच, और इसे दरदरा पीस लेंगे। इसे महीन नहीं पीसना है, दरदरा ही पीसना है। ये देखिए हमारे दरदरे पीसे हुए चावल। अब हम 3 कटोरी दूध को उबालने के लिए रखेंगे। इसे हम बीच बीच में मिला लेंगे। जब ये दूध उबलने लगे तब इसमें हम डालेंगे पीसा हुआ चावल। इस चावल को डालकर हम लोग मिला लेंगे और इसे मध्यम आंच पर पकाएंगे। इसे हम बीच बीच में चलाएंगे ताकि यह नीचे लगे ना। इसे हम चावल पकने तक पकाएंगे। ये देखिए हमारे चावल गल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। मैंने काजू, बादाम, पिस्ता डाले हैं, थोड़ा इलायची का पाउडर, 1/4 कटोरी गुलकंद, 1/4 कटोरी चीनी। आपको अगर ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। इसे हम मिलाकर मध्यम आंच पर थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। बीच बीच में मिलाइएगा। ये देखिए गाढ़ा हो चुका है। हमारी बहुत ही स्वादिष्ट फिरनी तैयार है। इसे हम गैस बंद करके ठंडा होने देंगे और ठंडा सर्व करेंगे। धन्यवाद।